पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी गणित, जिसकी प्रश्नावली 7.2 पढ़ रहे थे आप। इसके हमने 12 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आगे आप 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे देखते हैं, 13वां क्वेश्चन है एक्स वर्ग बटे 2+3x का घन का होल घन, इसका आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो जो चीज हर में दी गई है उस हर को क्या कर लेते हैं हम, t के इक्वल मान लेते हैं। तो मान के चले 2+3x का घन बराबर t माना, और जैसे आप t मानते हैं, t मानने के बाद आपको क्या करना है, अवकलन। और जब आप अवकलन करेंगे तो 2 का अवकलन 0 होगा, 3 जाके तां x घन का करेंगे 3x वर्ग हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9 x वर्ग यहां पे बन जाएगा, 3 जाके तां x घन का 3x वर्ग, 3 त्रिका 9 x वर्ग। और t का करते हो तो dt बटे dx आता है, और dx यहां पे लिख के चलते हैं, तो यहां पे हम कह सकते हैं x वर्ग dx का मान आएगा dt बटे 9 आ जाएगा। अब यदि हम यहां पे मान रख दें x वर्ग dx का मान, तो इसका मान रखा जाए dt बटे 9, बाकी बची संख्या उसे जो है आप 1 बटे, और ये पूरी संख्या मानी हमने t रख दो, और 3 की घात जहां कितना लगा दी जाए। अब ऐसा लिख सकते हो आप, 1 बटे 9 आगे लिख दो और t पे -3 की घात ऊपर ले जाते हो तो माइनस की घात हो जाती है इंटू डी टी, और 1 बटे 9 -3 की घात का करोगे तो -2 की घात, 1 जोड़ना पड़ेगा, -3 में 1 जोड़ेंगे, -2 की घात बटे -2 हो जाएगा, प्लस 1 स्थिरांक c होगा। अब यहाँ 9 × 18 हो गए, 9 × 18, और t की जगह t का मान रख देते हो तो t का मान क्या है, 2+3x का घन और इस पे -2 की पावर प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन है 14वां, 1/x log x पे m की पावर dx, इसका समाकलन x के सापेक्ष करना है। तो हम क्या करते हैं, log x पे m की पावर है, log x का समाकलन नहीं होता है, तो इस वजह से मान के चलते हैं हम कि log x बराबर क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, log x बराबर t मानते हैं। फिर दोनों पक्ष का हमें क्या करना होता है, अवकलन करना होता है। तो अवकलन log x का करेंगे, 1/x आएगा, और t का जब करते हैं तो t का जो है x के साथ होता है, इसलिए dt / dx, और dx हम यहां लिख लेते हैं। तो अब देखिए आपके लिए क्या मिला, 1/x dx, इसका मान क्या रख सकते हो आप, dt, 1/x dx का मान dt रख सकते हो, और बाकी आप 1/log x को क्या माना है, t माना है, तो t लिख दो, और m की घात जहां की तां आप लगा देते हो, ठीक है ना, log x t माना है, m की घात जहां की तां लगा दो। अब आप घात को ऊपर ले जा सकते हो, तो t पे -m की घात हो गई, ऊपर ले जाने पे माइनस चिन्ह आ जाता है घात का, मतलब प्लस की है तो माइनस की, माइनस की है तो प्लस की हो जाती है। अब -m की घात का यदि आप करते हो तो एक घात बढ़ जाती है, -m+1, और नीचे भी -m+1, और प्लस एक स्थिरांक लिख सकते हैं हम सी, और फिर t की जगह t का मान लिख सकते हैं, t का मान क्या है, log x है, log x लिख दो, और -m+1 की पावर लिख दो, और नीचे जो है -m+1 लिख दो, और प्लस सी स्थिरांक जो था, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल है, x/9 - 4x2, इसका समाकलन x के सापेक्ष करना है। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या को t मान के चलते हैं, ठीक है ना, तो नीचे वाली संख्या 9 - 4x2 बराबर यदि हम t मान लेते हैं, फिर दोनों तरफ यदि हम अवकलन करते हैं तो दोनों तरफ अवकलन करना पड़ेगा, 9 का अवकलन 0 होगा, माइनस चिन्ह, और 4 जहाँ कितना लिखोगे, x वर्ग का 2x होगा, तो 4 × 8x हो जाएगा, और t का करोगे तो dt बटे dx आएगा, और dx इंटू में लिख लेते हो तो x dx बराबर dt हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो x dx आप -8 इस तरफ लाते हैं तो -8 जो है बटे में आ जाएंगे, माइनस चिन्ह हमेशा ऊपर लगाया जाता, तो x dx का मान -dt/8, तो x dx का मान -dt/8 आ जाएगा, dt/8, बाकी पूरी संख्या को हमने 9 - 4x2 को क्या माना है, t माना है, तो t रख देते हो इसकी जगह, और फिर जो है माइनस का 1/8 आगे लिख लेते हो, बाकी क्या बचा होगा, 1/t dt, 1/t का करते हो तो 1/t का समाकलन क्या होता है, log t होता है, तो इसका समाकलन करोगे log t आ जाएगा, log t, और प्लस एक स्थिरांक आपको जोड़ना पड़ता है c। अब देखिए t की जगह t का वापस मान रख देते हो, 9 - 4x2, तो -1/8 और log
टी की जगह पे टी का मान रख देते हो, 9-4x² रख देते हैं प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला 16वां क्वेश्चन, ई पे 2x + 3 की पावर है, तो जो पावर है उसी पावर को हमें टी मानना पड़ेगा, 2x + 3 बराबर हम टी मान के चलते हैं। दोनों तरफ का अवकलन यदि आप कर लेते हैं तो 2x का अवकलन 2 हो जाएगा, 3 का अवकलन 3 का 0 हो जाएगा, और t का करेंगे तो dt/dx आएगा, और आप ऐसा लिख सकते हैं तो dx यहां पे आ जाते हैं, 2dx/dt। अब dt बराबर ठीक है, dx/dt और 2 यहां पे आप बटे में ला सकते हैं, तो अब हम कह सकते हैं dx का मान आ गया है dt/2, तो इसका मान हमने dt/2 रखा है, और e, और फिर इस पूरी संख्या को हमने t माना है, तो e पे t की घात। अब देखिए ऐसा भी आप लिख सकते हैं, 1/2 e पे t की घात का समाकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो 1/2, अब e t का समाकलन क्या होता है, e t ही रहता है, प्लस एक स्थिरांक c जोड़ना पड़ेगा, 1/2, अब e जाके था और t की जगह t का मान रख देते हो, t का मान क्या है, 2x + 3 है, तो t का मान रख दो, 2x + 3 और प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल बताया गया 17वां सवाल, x/e पे x² की पावर, तो पावर जो है कुछ अलग है, हमने बताया था एक घात के रूप में यदि कोई फलन दिया गया हो तो उसी को आप t मानते हैं, तो मान के चलेंगे यहाँ पे हम जो घात के रूप में फलन है x² उसे ही हम t मान के चलते हैं। जैसे t मानते हैं तो दोनों तरफ हमें अवकलन करना होता है, और अवकलन करते हैं तो x² का 2x होता है, और t का करते हो तो dt/dx होता है, और 3x गुणा करके आप ऐसा लिख सकते हैं, और x/dx बराबर आप बना सकते हो dt, और फिर 2 गुणा में जो होते हैं 2 को आप बटे में ला सकते हो। तो अब आप ध्यान दीजिए x/dx का मान हो गया है dt/2 और 1/e जाकेता, और x² को क्या माना गया है, t माना गया है, t लिख दीजिए। अब आप यदि इसका समाकलन करेंगे तो पहले तो आप जो है इस 2 को आगे लिखिए, 1/2, अब ई पे टी की घात है, इसको आप ऊपर लिखेंगे तो ई पे -t की घात और dt, अब आप समाकलन करेंगे तो 1/2 ई पे -t की घात का करेंगे, ई पे -t ही होगा, बस माइनस चिन्ह आपको रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि t का गुणांक यहाँ माइनस चिन्ह होगा, तो -1 हम रिपीट कर लेते हैं क्योंकि t का गुणांक -1 रिपीट किया जाता है, और फिर जो है प्लस एक स्थिरांक जोड़ लेते हैं जो कि c कहलाएगा स्थिरांक। अब यहाँ माइनस के 1/2 हो गए, और फिर e की जगह e जाकेता, और -t मतलब जो मान रख सकते हो आप इसका, तो क्या है इसका मान, x² है, x² लिख दो प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस घात को आप बटे में भी लिख सकते हो करके, तो क्या हो जाएगा, -1/2 जाकेता लिख दीजिए, और -x² की घात है, तो यहाँ पे आप नीचे लिख लेते हो तो नीचे आ जाएगा x² धन का हो जाएगा, और प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं 18वां क्वेश्चन, ई पे 10 inverse x की पावर, पावर फलन की है तो उस फलन को ही आप t मान के चलेंगे, तो मान के चल रहे हम 10 inverse x बराबर हमने क्या माना है, t माना है, जैसे ही t मानते हैं तो दोनों तरफ हमें अवकलन करना पड़ता है, तो दोनों तरफ हम अवकलन करेंगे 10 inverse x का, 1/1 + x² अवकलन होता है, और t का करेंगे तो dt/dx होगा, और dx हम यहाँ लिख के चलते हैं। अब देखिए 1/1 + x² dx का मान कितना है, dt, 1/1 + x² dx, इसकी जगह dt लिख दो, बाकी क्या बचा है e, और 10 इनवर्स x को हमने क्या माना है, t माना है, तो e t और इंटू dt बन जाएगा, और e t का समाकलन करते हो तो e t का समाकलन e t होता है, प्लस एक स्थिरांक आ जाता है c। अब देखिए e जाके था, t की जगह t का मान रख दीजिए, तो t का मान क्या है, 10 inverse x, t का मान जो था 10 inverse x, यही आपको वापस रखना है, प्लस c स्थिरांक था, c लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा।